हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूं दोस्तों आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूं द सेवन बैच फ्लावर मेडिसिन चेस्टनट बट के बारे में। दोस्तों, मैं अपने लास्ट वीडियोस में और भी बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में आपको बता चुकी हूं कि कौन कौन सी बैच फ्लावर मेडिसिन किस किस चीज़ में यूज़ होती हैं, ऑल्सो आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कौन सी बैच फ्लावर मेडिसिन होती हैं, उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ चेस्टनट बट के बारे में। दोस्तों, चेस्टनट बट एक ऐसी मेडिसिन है, इनको हम 4-5 पॉइंट्स में समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका एब्सेंट माइंडेड, आपका फोकस पावर कम हो और एक ही मिस्टेक आप बार बार करते हो, द मेडिसिन इज़ चेस्टनट बट। दोस्तों, चेस्टनट बट एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, जब ऐसा इंसान जिसको गलती बार बार वही रिपीटेशन करने की आदत है, बट वो गलती वो कभी ना मानता है, ना कभी वो करना बंद करता है, वही चीज़ गलती बार बार वो रिपीट करता रहता है, द मेडिसिन इज चेस्टनट बट। दोस्तों, ऑल्सो वो स्टूडेंट्स दोस्तों जिनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, फिजिकली तो आपके सामने प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली अगर आप उनसे कुछ बात करेंगे तो वो कहीं और प्रेजेंट रहते हैं, द मेडिसिन इज चेस्टनट बट। दोस्तों, चेस्टनट बट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर एडल्ट्स जिनका कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं हो पाता, फोकस मेमोरी पावर कम है, एब्सेंट माइंडेड है दोस्तों, कि फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है और एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं, द मेडिसिन इज चेस्टनट बट। दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है चेस्टनट बट। दोस्तों, अगर आप में ऐसी चीज़ है कि आप किसी पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आपको बार बार एक ही गलती आप करते चले जा रहे हैं, आपके बच्चे हों, आप खुद हों, आप खुद भूल रहे हैं कोई बहुत सारी चीज़ें, आपका और मेमोरी पावर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, तो चेस्टनट बट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों, कम शब्दों में ये चेस्टनट बट के यही स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पर उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। दोस्तों, अब इसका डोज दोस्तों एज पर द कंपनी के हिसाब से दी जाती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वैसे 10 ड्रॉप्स एड इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस इन अ डे, और जो पेशेंट की कंडीशन है उसके हिसाब से देखा जाता है कि उसको थ्राइस इन अ डे देना है या फिर ट्वाइस इन अ डे देना है। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ में आपको डोज नहीं बताती हूँ, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमको देखना होता है कि कितनी ड्रॉप्स कितने टाइम तक आपको देनी है, 3 बार देनी है, 2 बार देनी है। दोस्तों, आई होप आप चेस्टनट बट अच्छे से समझ गए होंगे कि एब्सेंट माइंडेड इंसान बार बार वही गलती करते चले जाना, गलती को बार बार दोहराना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेपरवाह लापरवाह इंसान, बेध्यान इंसान जिसको ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज चेस्टनट बट। दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कैसी लगी ज़रूर हमको बताइए, अपना ध्यान रखिए, आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं, आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।